नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। आमला, शनिवार को मध्य प्रदेश 10वीं बोर्ड 2020 की परीक्षा के परिणाम आए हैं। लगभग 11 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने परीक्षा में भाग लिया था। बता दें, इस वर्ष परीक्षा में छात्राओं ने ही बाजी मारी है। इधर आमला के क्राइस्ट द किंग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा स्नेहा पिता घनश्याम चिमोटे निवासी गोविंद कॉलोनी आमला, जिन्होंने 300 में से 274 अंक प्राप्त कर 91.33% अंक प्राप्त किए, जबकि सभी विषय में विशेष योग्यता भी हासिल की है। छात्रा के पिताजी बिजली विभाग में ठेकेदारी में काम कर महज 7,000 रुपए मासिक वेतन से किराए के घर में रहकर अपने दोनों बच्चों को शिक्षा देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। छात्रा की रुचि देख उन्होंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का निर्णय लिया, जिसके अनुरूप छात्रा भी अपने पिताजी को आश्वस्त करती रही और परीक्षा में अच्छे परिणाम दिए। इस विषय में छात्रा से भविष्य के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि अपनी आगे की पढ़ाई कॉमर्स से कर CA बनना चाहती हूं और अपने शिक्षक, स्कूल मित्रों और स्कूल का नाम रोशन करूंगी तथा अपने माता पिता और भाई को अच्छा घर और हर सुविधा देना चाहती हूँ। छात्रा के परीक्षा परिणाम सुनकर उनके घर उनके सभी परिजन बधाई देने पहुँचे। वहीं पाथाखेड़ा के लिटिल फ्लावर हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 10वीं में अध्ययनरत वैशाली झरबड़े ने हाई स्कूल परीक्षा में 92% अंक हासिल कर उच्च स्थान प्राप्त कर नगर सहित शाला का नाम रोशन किया। गौरतलब हो कि वैशाली ने घर में ही पढ़ाई कर बनाई अपनी पहचान और किया अपने अपने मम्मी पापा का नाम रोशन। वैशाली का जीवन यापन मध्यम परिवार से है। अपने व्यवहार से सबका दिल जीतकर सबको प्यार बांटना और खुशी देना वैशाली को अच्छा लगता है। साथ ही शिक्षा को प्राथमिकता देना उनकी दिनचर्या में है। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम वैशाली। कौन से स्कूल से पढ़ाई करी आपने? लिटिल फ्लावर हायर सेकेंडरी स्कूल बाटा। क्या परसेंट रहा आपका? 92% रहा, जिसमें सभी सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लगा। क्या आपने ट्यूशन लगाई थी? जी नहीं, मैंने बिना ट्यूशन के पढ़ाई करी। फिर कैसे पढ़ाई की, इतने परसेंट कैसे बनाया आपने? बस स्कूल में जो होमवर्क मिलता था वो करती थी, टाइम पे कॉपी कंप्लीट प्रोजेक्ट्स और फिर सेल्फ स्टडी भी करी, इसी से बना। आप अपने पढ़ाई का श्रेय किसको दोगे? मैं अपनी पढ़ाई का श्रेय स्कूल के टीचर्स को दूंगी और मम्मी को दूंगी और घर के मौसी वगैरह सबको दूंगी। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए आमला से जिला प्रतिनिधि हरि प्रसाद गोहे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।